रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 1401 होशियारपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। मुझे कोई बात सुननी नहीं है। अपनी मम्मी को बोलो जाके सॉरी, ठीक है? प्लीज सॉरी तो ही करना। नहीं जी, लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आप ही आ जाना। बिल्कुल नहीं आना स्टेशन। मैं ना सिर्फ अपना सामान लेने आ रही हूँ, उसके बाद अगली ट्रेन से सीधा दिल्ली पापा जी के पास। अच्छा फोन मैंने नहीं और बात करनी है। हैंग अप। जिंदगी झंड कर रखी है। क्या है? शादी होगी तेरी? नहीं, कुड़माई हुई है। कभी मत करना शादी, तो कभी मत करना। जिंदगी ना बर्बाद हो जाती है। ये जो कस्में वादे करते ना एक दूसरे को खुश रखने, कुछ साल में सारे खत्म। मेरी बात मान, सिंगल रह, ऐश कर। नहीं तू बिलीव नहीं कर रहा ना मेरी बात, छोटा है ना, समझ नहीं आ रही तेरे को बात। क्या इस उम्र में ना हरभजन सिंह सब कुछ बड़ा प्यारा प्यारा लगता है। आप थोड़ी चाय पी लो जी। हाँ मैं पी लेती हूँ। भैया तुम पियो? तो सीधा मत, एक चाय देना। कितने की? 10 की। गरम है ना? गरम। अच्छा बोल, मैं भी तो सुनूं आजकल की यूथ को शादी करनी क्यों है? बोल। मैं साल भर डोकलाम इंडो चाइना बॉर्डर पे पहरा देता हूँ। वहां ना सोचने का ढेर सारा वक्त मिलता है, और वहां पहरा देते देते मैंने ये तो समझ लिया है कि हमारी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। हाँ, हमारी लाइफ किसी लड़ाई से कम थोड़ी है। सबसे पहले पैदा होने की लड़ाई, फिर उसके बाद स्कूल, फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, और हम जैसों की नौकरी मतलब पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई। हमारे इर्द गिर्द ना लड़ाई और जंग की निशानियां हैं। आपको पता है इस ट्रेन की रूट पर दो दो जंग के मैदान है, पानीपत और कुरुक्षेत्र। अच्छा, और फिर शादी करो और अपनी मिसेज से लड़ते बैठो। मैंने देखा मेरे परिवार में, मैंने तो सोच लिया ये मेरे साथ नहीं होना। वैसे भी एक फौजी को साल में एक महीना मिलता है घर जाने का, उसमें भी लड़ते बैठो फिर तो। तेरा सही है, तेरी ना मम्मी अच्छी होगी, मेरी सास की तरह नहीं। तेरा ना ससुर बहुत पहले सुधार गए थे, अब ना मेरी सास अपने बेटे की हर बात में अपना नाक घुसा देती है। अच्छा एक बात बताओ, एक औरत है जो कि बेवा है और उसकी एक ही औलाद है, उसकी तो पूरी जिंदगी उस औलाद के आगे पीछे ही गुजरेगी ना। और जब वो औलाद अपना घर बसाएगा, शादी करेगा, तो फिर माँ को अकेलापन तो महसूस होगा ही ना। तो ना कराए ना शादी, बांध के रखे अपने कुमारे बेटे को अपने दुपट्टे से। ऊपर से दिल्ली छुड़वा दिया 8 महीने पहले, पता नहीं कौन से गाँव में जाके रहना पड़ रहा है मुझे उनके साथ। मेरी ना लाइफ टोटल खराब हो गई है सच्ची। आपकी तो लव मैरिज? हाँ, लव अरेंज थी। जीत ने ना मुझे रिंकू की शादी पे पसंद किया था, फिर तो जी फोन से फोन आने शुरू हो गए। मेरी सास तो पीछे ही पड़ गई थी पापा जी के कि हमें तो डिम्पी चाहिए। मैंने की पता कि बहू नहीं चाहिए, कठपुतली चाहिए जिसे सब कह सके वैसे ही करे। मेरी लाइफ है, मैं अपने स्टाइल से जीऊंगी। आपको पता है ना, बंदे ज्यादातर अपनी माँ जैसी लड़कियों को पसंद करते हैं। नहीं मतलब कुछ लोग होते ही हैं प्लस माइनस। आपकी सास ने भी आपको इसलिए चुना होगा क्योंकि आप बिल्कुल उनकी तरह हो। उनको भरोसा होगा कि उनके बाद आप ही उनके घर का ख्याल रखोगे, उनके बेटे का ख्याल रखोगे, सबसे निभा कर चलोगे। गाँव भी आपको इसलिए बुला लिया होगा ताकि आप उनके तौर तरीके समझो। चलिए आप उनकी कुछ एक माइनस बात बताइए, मैं उसमें से आपको कुछ प्लस ढूंढ के बताता हूँ। क्या रैपिड फायर? जो मर्जी बुला लो। मम्मी जी ना बड़ी अखड़ू है।
वो स्वाभिमानी है, अधिकार जताती है, प्यार करती है, हर चीज पे तो कंट्रोल करती है। सतर्क के कहीं कोई गलती ना हो जाए। आप भी तो वैसी हो ना, सतर्क, स्वाभिमानी, सबका ख्याल रखने वाली। वैसे ना मम्मा ने, तेरी मम्मी ने मुझे पूरा समझा के भेजा था कि बेटा ससुराल में जाके ना मायके वालों का नाम बहुत रोशन कर। जब पर मेरी सास कोई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती तो क्या नाम रोशन करूं मैं? कोई नहीं, मैं भी अपनी लाइफ अब अपने कंट्रोल में ले रही हूँ। सामान लेने जा रही हूँ फिर दिल्ली वापस, मैं नहीं रहना चाहती। मैं तू क्या मुंह फुला के बैठा है? तू तो जा रहा है अपनी मंगेतर के पास, जा खुश रख उसको। आपको क्या लगता है सारी दुनिया परफेक्ट है और आप ही को प्रॉब्लम पति मिला है? निम्मी और मेरी भी झगड़े होते हैं, वो भी चिट्ठियों में। वहां यह आपका फोन वो नहीं चलता और गुस्से वाली चिट्ठी भेजते ही दोनों को उसके जवाब का इंतजार करना पड़ता है हफ्तों, पर अगली चिट्ठी आने तक गुस्सा भी शांत हो जाता है और प्यार भी डबल। मैं जब भी उससे गुस्सा होता हूं ना, एक लिस्ट बना लेता हूं, 5 प्लस की लिस्ट और 5 माइनस की लिस्ट। प्लस में तो उसकी कई अच्छी आदतें लिख देता हूं, 5 से ज्यादा, लेकिन माइनस ढूंढते ढूंढते घंटों बीत जाते हैं। आप भी जीत पराजय वास्ते एक लिस्ट बना दो, फिर देखते हूं कितने बुरे इंसान है। पूरी लिस्ट भर जानी है माइनस से, देखते हैं। चलिए अब यहीं सो जाइए, मैं ऊपर सो जाता हूं। तुम्हें अभी तक सोए नहीं? नहीं, तेरी फोन का वेट कर रहा था। तुम्हें कैसे पता मैं फोन करूंगी? बस। अच्छा सुनो, कल मुझे स्टेशन लेने आ जाना, कपूरथला। बिल्कुल, तेरी ट्रेन आ जाएगी 4:45 को, मैं आ जाऊंगा 4:15 को। इतनी जल्दी आके क्या करोगे? स्टेशन पे आके झाड़ू मारना है? सुनो, 4:40 से पहले बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, और आने से पहले फोन कर लेना कि कहीं ट्रेन लेट तो नहीं है। ठीक है ना। अच्छा सुन, जलंधर में जब ट्रेन चेंज करेगी ना तो प्लीज संभल के करना, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे आता है अकेले ट्रैवल करना। ठीक है, तो फिर गुड नाइट। ओके, सुनो जी, वो मम्मी जी को पैरी पोना कहते हैं। अच्छा ओके, बाय। तो मर गई नोटबुक? तो पढ़ा क्या नहीं है? पता है, हम फौजियों की जिंदगी है ना, बस
एक पल से दूसरे पल तक होती हैं, कब प्लस से माइनस हो जाए पता ही नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम रिटायर होंगे या शहीद, तो हम जितना भी जीते हैं उसमें से हर एक पल से ज़िंदगी निचोड़ के जीते हैं। पर आप लोग तो सिविलियन हो, आप लोगों की लाइफ तो कितनी सेफ होती है, तो आपकी इतनी लंबी लाइफ में ना जाने कितने ऐसे पल होते होंगे जिसमें से आप खुशियाँ और प्यार निचोड़ के जी सकते हो। रब तेरे को और निमी को ना बहुत सारी खुशियाँ दे और ढेर सारा प्यार। रब ने तो मेरे मंगन तो पहले ही मैंने बहुत कुछ दे देता। सुन तू कहाँ तक जा रहा है? कपूरथला। ले मैं भी तो वहीं जा रही हूँ, सीट नंबर क्या है? टिकटें तो वो ले गए। चल कोई नहीं, स्टेशन उतर के मिलना ठीक है, मैंने ना तेरा इंटरव्यू कराना है जीत से। देखना लोग कैसे मिल जाते हैं ना, एक ट्रेन मेरी आगे पीछे हो जाती ना तो तूने मुझे कहाँ मिलना था। मैं भी हर साल लीव पे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ही लेता हूँ, बस इसी साल वो रूट अलग पड़ गया, शायद आपसे मिलना लिखा था। किससे? उसी की वजह से तो फोन किया मैंने तुम्हें। अच्छा फिर तो मिलना चाहिए। कौन है ये आदमी? फौजी है। उसका नजरिया देखोगे ना तो कमाल। ए ओए सुनो, वो हरभजन सिंह कहाँ है? वही जिसका लगेज उठा के आप आए थे, सलूट कर रहे थे जलंधर स्टेशन पे उतर के। आप बाबा जी की बात कर रहे हो क्या? बाबा जी 22-23 साल का लड़का था इसके जितना होगा। हाँ पर बातें तो बाबूजी वाली कर रहा था। मैडम जी वो 22-23 साल के थे तब निकल लिए। हाँ आप किसी और से बात कर रही होंगी। क्या क्या कह रहे हो? ये देखो मेरी टिकट, सामने बैठा था बर्थ पे, मैंने उसका बैज भी पढ़ा है, ऐसे ही बैज था तुम जैसा, हरभजन सिंह लिखा था उस पे। क्या बात है सर जी, सब ठीक तो है? आप इनकी बात कर रही थी? हाँ यही तो है हरभजन, अच्छी खासी बातें कर रहा था मेरे साथ ये, और आप कह रहे हो निकलिए, कोई बात है? कमाल है ऐसे। आप लोगों की गलती नहीं है, इंडिया के लोगों को ना एक्टरों और क्रिकेटरों के अलावा किसी और की स्टोरियां नहीं पता होती। कोई बात नहीं, जाइए घर जाइए। और हाँ ढूंढ लीजिएगा इंटरनेट पर। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक सच्चे सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ और उनकी मृत्यु सिक्किम के नथुला पास में 4 अक्टूबर 1968 में हुई। जब वो 3 दिनों तक लापता रहे उनके अफसरों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनको अपने शव का ठिकाना बताया। सर्च पार्टी को हरभजन सिंह की बॉडी ठीक उसी जगह मिली। ये तो हरभजन सिंह के मृत्यु के बाद की घटनाओं की बस शुरुआत थी। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपनों में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। रात को पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकते उनको एक जोर का चाटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चाटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी उनकी तनख्वाह हर महीने उनके माता पिता को भेजती। उनके लिए आर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया जहां आज भी भक्त दर्शन लेने
और राष्ट्रगान गाने आते हैं। हरभजन सिंह जो सिपॉय रैंक में रहते हुए शहीद हुए, उन्हें आर्मी प्रमोट किए जा रही थी। हरभजन सिंह की लीव हर साल सैंक्शन होती और हर साल दो फौजी उनका सामान उनके गांव कपूरथला ले जाते। उस दौरान उनका कैंप हाई अलर्ट पर रहता। कुछ साल बॉर्डर पर भारी तनाव के समय उनकी लीव कैंसिल भी की गई। समझौतों के वक्त हिंदुस्तानी क्या चीनी भी उनके लिए एक कुर्सी खाली रखते थे। वो बतौर कैप्टन दिसंबर 2006 में रिटायर हुए। बाबा हरभजन सिंह को वतन का सलाम।